अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री को करीब 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वजह है किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे बंद होना। कारोबारियों के मुताबिक किसानों ने अंबाला के पास शंभू टोल प्लाजा बंद कर दिया है। इससे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जा पा रहे हैं और उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। पोल्यूशन ये हो चुकी है कि दिल्ली के रास्ते सारे 200 किलोमीटर का जो सफर था वो 300 किलोमीटर का हो गया, जो 3 घंटे लगते थे वो 6 घंटे हो गए हैं। उनके वाईफाई जो नेट है वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कहते ना कम्युनिकेशन गैप आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। और अंबाला टू दिल्ली जो फ्लाइट है उसका रेट 5,000 से 25,000 से 30,000 हो गया है। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे काम करें। कोई कस्टमर नहीं आ रहा पंजाब का, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। जैसे हमारा बिजनेस साइंस का है, स्कूल वाले आते हैं, लेबोरेटरी वाले आते हैं, कॉलेजेस वाले आते हैं, तो सब बंद पड़ा है, ठप पड़ा है, कोई भी बिजनेस नहीं है। सिर्फ कोई किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हो रही बिजनेस की। नुकसान तो काफी हो रहा है इसके लिए, तो कुछ सबका ये सारे माले का नुकसान है। जो लोग हम साइंटिफिक का काम करते हैं, लेबोरेटरी का काम करते हैं, नो कस्टमर। हरियाणा सरकार ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए बुधवार को अंबाला समेत 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाओं पर लगा प्रतिबंध 23 फरवरी तक बढ़ा दिया। अब ये सेवाएं करीब 10 दिनों से बंद हैं, सिर्फ अस्थायी प्रतिबंध हटाए गए हैं। इसका भी कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। इन्होंने नेट बंद कर रखा है, उससे हमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। पहली चीज, 10 तारीख को हमारी GST R1 भरी जाती है, नेट बंद होने की वजह से कुछ लोग वो भी टाइम से नहीं भर पाए। अब 20 तारीख को GST R3 भी भरी जाती है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, वो भी बंद है। अब गवर्नमेंट का जो OTP आता है वो OTPs नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसे फाइल नहीं कर पाएंगे और अपना रेवेन्यू नहीं भर पाएंगे। सड़कें बंद होने और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक का असर हरियाणा और पंजाब के दूसरे उद्योगों और कारोबारों पर भी पड़ा है।